इस वीडियो में हम बात करेंगे 2020 की फिल्म द प्रेडेटर्स के बारे में, जो कहानी है दो ऐसे परिवारों की जो एक दूसरे से बिल्कुल अलग सोच रखते हैं, पर एक एक्सीडेंट उन दोनों परिवारों को एक दूसरे का सामना करने पर मजबूर कर देता है। रोम का एक ऐसा इलाका जहां हर वक्त शांति रहती है, वहां डैनियल नाम का एक आदमी रहता है जो घड़ी बेचने का काम करता है। उसी इलाके में इनेस नाम की एक बूढ़ी औरत रहती है, जिसके घर जाकर डैनियल ने कहा कि वो उसके बेटे का दोस्त है। इनेस उसे जानती तो नहीं थी, पर डैनियल की बातें और बर्ताव को देखकर वो इम्प्रेस होने लगी। डैनियल ने बताया कि इनेस का बेटा क्लॉडियो एक घड़ी खरीदना चाहता था और उस घड़ी के बदले इनेस उसे पैसे दे देगी। वो घड़ी 1,000 यूरोस की है और ये सुनकर इनेस ने साफ साफ इनकार कर दिया। डैनियल कहने लगा कि वो बचपन से क्लॉडियो का दोस्त है और क्लॉडियो उससे घड़ियां खरीद रहा है। देखते ही देखते इनेस उसकी बातों में आ गई और उसने 1,000 यूरोस की वो घड़ी खरीद ली। दूसरी ओर निकोला नाम का एक आदमी एक मशहूर फिलोसोफर की लाश जमीन से बाहर निकालना चाहता था और उसके साथ ये काम उसका स्टूडेंट फेडरिको भी करना चाहता था। फेडरिको का पिता पॉल एक डॉक्टर है, जिसका दोस्त ब्रूनो उसे अपनी नई गर्लफ्रेंड गाइया के बारे में बताने लगा। वो पॉल को अपने रिश्ते की निजी बातें बताने लगा, जिसकी वजह से वो अनकंफर्टेबल हो गया। उस इलाके से कुछ दूर पॉल की पत्नी लुडोविका एक फिल्म बना रही थी। वो एक मशहूर फिल्म मेकर है, पर वो उस शूट में इतनी गुम हो गई कि वो ये तक समझ नहीं पाई कि उसके एक्टर की मौत हो सकती है। वो उसी एक्टर की हालत के बारे में सोचकर परेशान होने लगी, पर पॉल उसकी परेशानी समझने के बजाय इधर उधर की बातें करता रहा। उन दोनों की बहस हो गई और पॉल घर से निकलकर अपने दोस्त के घर जाने लगा। फेडरिको अपने दोस्त जेकब को बताने लगा कि जिस फिलोसोफर की लाश को निकाला जाने वाला है वो उसका बहुत बड़ा फैन है, पर उसकी इन बातों से परेशान होकर जेकब ने कह दिया कि फेडरिको जैसे लोग इंसानों को भगवान बनाते हैं, और इसी बात पर उन दोनों की बहस हो गई। अगले दिन पॉल की गाड़ी गलती से एक बूढ़ी औरत से जाकर टकरा गई और वो उसे अपने हॉस्पिटल में ले गया। उसके हॉस्पिटल में टेरेसा नाम की एक औरत काम करती है, जो इनेस के बेटे क्लॉडियो की पत्नी है। टेरेसा के जन्मदिन पर क्लॉडियो उसे अपने परिवार के पास ले गया और वो पूरा परिवार आराम करने लगा, पर अचानक वहाँ क्लॉडियो का चाचा फ्लाविओ आ गया, जो उसे धमकाने लगा क्योंकि वो घर फ्लाविओ का था, क्लॉडियो का नहीं। पर उसकी ये हरकत सिर्फ एक मजाकिया हरकत थी, जिसकी वजह से क्लॉडियो को बेइज्जत होना पड़ गया। क्लॉडियो के परिवार वालों के पास हथियार थे, क्योंकि वो हथियार बेचने का काम करते थे, और उन्हीं हथियारों की मदद से क्लॉडियो अपने बेटे सेजार को बंदूक चलाना सिखाता है। क्लॉडियो फ्लाविओ से हमेशा से नफरत करता आया है, पर फ्लाविओ ने उसके परिवार को मुश्किल हालातों से निकाला था और क्लॉडियो के पिता ने उससे कर्ज भी लिया है, इसी वजह से वो कुछ कह नहीं पाता। कुछ देर बाद क्लॉडियो की माँ इनेस का कॉल आया और तब क्लॉडियो को पता चला कि कोई अनजान आदमी उसकी माँ को एक सस्ती घड़ी 1,000 यूरोस में बेचकर चला गया है। क्लॉडियो ये खबर सुनकर परेशान हो गया और उसकी परेशानी उसके भाई कार्लो ने बढ़ा दी। दोनों भाई जल्द से जल्द अपनी माँ के पास गए और इनेस उन्हें समझाने लगी कि वो क्लॉडियो के बारे में सब कुछ जानता था, सिर्फ इसलिए उसने उस पर भरोसा किया। गुस्से में क्लॉडियो इनेस को बुरा भला कहने लगा और उसे चुप करा के टेरेसा ने पुलिस के पास जाने की बात कही, पर ऐसा मुमकिन नहीं था क्योंकि क्लॉडियो ने खुद वो पैसे गैर कानूनी तरीके से कमाए थे। अगले दिन इसी चोरी के बारे में सोचते हुए इनेस परेशान होकर सड़क पर चल रही थी और तब वो पॉल की गाड़ी के सामने आ गई। पॉल ने तो गाड़ी रोक दी, पर वो एक्सीडेंट नहीं रोक पाया। उसी दिन लुडोविका को पता चला कि उसकी फिल्म के उसी एक्टर की हॉस्पिटल में मौत हो गई, और देखते ही देखते उसकी परेशानियां बढ़ने लगी। पर वो अकेली परेशान नहीं थी, उसका बेटा फेडरिको भी परेशान था क्योंकि उसे निकोला ने बताया कि वो फिलोसोफर की लाश के पास नहीं जा सकता। सालों से फेडरिको उसी फिलोसोफर के बारे में पढ़ रहा था, इसलिए इस प्रोजेक्ट से हटाए जाने पर वो निकोला से नाराज हो गया और उसे गालियां देते हुए वहां से निकल गया। लुडोविका ने फिल्म छोड़ने का फैसला कर लिया था और इस फैसले के बाद वो दिन भर शराब पीकर पॉल से बहस करती रही। वो ये भी भूल गई कि आज उसकी माँ ऑर्नेला का जन्मदिन है और उसकी जगह फेडरिको उन्हें खुश करने की कोशिश करने लगा, पर ऑर्नेला उसे बताने लगी कि पिछले 10 दिनों से उसका पेट साफ नहीं हुआ है और इसीलिए उसके पास खुश रहने की कोई वजह नहीं है। वो अपने भाई को परेशान करने लगा और कुछ देर बाद उसके माता पिता वहाँ आ पहुँचे। धीरे धीरे उस परिवार का माहौल और बिगड़ता गया और फिर फेडरिको की कजिन मारी ने कहा कि उसने अपनी दादी के लिए एक गाना लिखा है
उसकी ये बात सुनकर सब खुश तो हुए, पर जब उसने गाना सुनाया तो सबको समझ आया कि वो गाने के जरिए अपने ही परिवार की बेइज्जती कर रही है। रेस्टोरेंट में बैठे हर इंसान के सामने उस परिवार के तकलीफों की पोल खुल गई और फेडरिको और उसकी माँ मारी की तारीफें करने लगे। इतना ही नहीं, फेडरिको भी हर किसी को गालियाँ देने लगा, पर अपने परिवार वालों के बीच हो रही बातों से ऑर्नेला को कोई फर्क ही नहीं पड़ा। अगले दिन फेडरिको पॉल के हॉस्पिटल गया, पर वहाँ पहुँचते ही उसका पेट खराब हो गया। ठीक उस वक्त क्लॉडियो वहाँ आया और पॉल का शुक्रिया अदा करने लगा क्योंकि उसने क्लॉडियो की माँ की जान बचाई है। उसने बताया कि वो हथियार बेचता है और वो कम पैसों में पॉल को हथियार देगा। पॉल ने तो हथियार खरीदने से इनकार कर दिया, पर उन दोनों की सारी बातें फेडरिको ने सुन ली। घर जाते ही उसने पैसे इकट्ठा करना शुरू कर दिया और उसी दिन उसने क्लॉडियो को कॉल किया। फेडरिको असल में एक बॉम्ब खरीदना चाहता था और ये सुनकर क्लॉडियो डर गया। उसे लगा कि फेडरिको कोई पुलिस वाला है, पर जब उसने 5,000 यूरोस देने की बात की तो वो बॉम्ब बेचने के लिए तैयार हो गया। वो अपने खोए हुए पैसे वापस पाना चाहता था, इसलिए क्लॉडियो ने उसे बॉम्ब दिया और एक नंबर बताया जिस पर कॉल करते ही वो बॉम्ब फट जाएगा। बॉम्ब देते ही पैसे लेकर वो वापस अपने परिवार के साथ हॉस्पिटल गया। इनेस के साथ वक्त बिताकर वो लोग वापस अपने घर लौटने लगे, पर क्लॉडियो अब तक ये सोच रहा था कि आखिर फेडरिको उस बॉम्ब के साथ करना क्या चाहता है। पॉल छुट्टियां बिताने के लिए लुडोविका के साथ ब्रूनो के घर जा रहा था, पर बीच रास्ते उनके सामने एक लुटेरा आ गया। उसे देखकर वो दोनों बुरी तरह डर गए, पर फिर उन्हें पता चला कि ये ब्रूनो का एक मजाक है। घर पहुंचकर उनकी मुलाकात गाइया से हुई, जो लुडोविका की अच्छी दोस्त भी है। पर लुडोविका और ब्रूनो ये नहीं जानते थे कि पॉल और गाइया का एक साल से अफेयर चल रहा है। एक तरफ वो चारों उस घर में छुट्टियां मनाने में बिजी थे, तो दूसरी तरफ क्लॉडियो अपने भाई को काम सिखाने की कोशिश में बिजी था। इस काम को छोड़कर उन्हें अपने चाचा फ्लाविओ के पास जाना पड़ गया और हर बार की तरह फ्लाविओ उसे फिर से परेशान करने लगा। दोनों ही परिवार छुट्टियों में और अपनी बातों में गुम थे और उनमें से कोई नहीं जानता था कि फेडरिको के दिमाग में क्या चल रहा है। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि फेडरिको की हरकत से उन दोनों परिवारों को मुसीबत झेलनी पड़ेगी। जिस वक्त ब्रूनो और पॉल शिकार के लिए निकले, उस वक्त फेडरिको बॉम्ब लेकर उस जगह पहुंचने के लिए दौड़ा जिस जगह उसके पसंदीदा फिलोसोफर को दफनाया गया था। उसकी समाधि पर पहुंचते ही फेडरिको ने वहां बॉम्ब रख दिया और वहां से भाग निकला। पर सिर्फ फेडरिको नहीं था जो हथियार इस्तेमाल करने के बारे में सोच रहा था। पॉल भी ब्रूनो से परेशान हो गया था और उसे मारने के बारे में सोच रहा था। फेडरिको तो बॉम्ब ब्लास्ट करने से पीछे नहीं हटा, पर पॉल ने ब्रूनो को नहीं मारा। उस रात पॉल और लुडोविका को अपने बेटे की खबर मिली और ये खबर सुनकर वो दोनों हैरान हो गए। उसी रात फ्लाविओ ने क्लॉडियो को अपने पास बुलाया और उसे बताया कि जो बॉम्ब उसने बेचा था उसका इस्तेमाल करके किसी ने गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी को उड़ा दिया है और अगले हफ्ते उस आदमी से पूछताछ होने वाली है। फ्लाविओ जानता था कि अगर उसने क्लॉडियो के बारे में पुलिस को बता दिया तो उनका धंधा बंद हो जाएगा, इसलिए उसने क्लॉडियो से कहा कि उसे फेडरिको को मारना होगा। क्लॉडियो ने पहले तो इनकार कर दिया, पर अपने पिता के लिए हुए कर्ज की वजह से उसे फ्लाविओ की बात माननी पड़ी। ब्रूनो कुछ दिनों से बीमार था और चाहता था कि पॉल उसका चेकअप करे। उन दोनों को अंदाजा भी नहीं था कि ब्रूनो को ब्रेन कैंसर है जिसकी वजह से जल्द ही उसकी मौत होने वाली है, और जब ये बात पॉल को पता चली तो वो डर गया। वो पहले ही इस बात को लेकर परेशान था और फिर उसे पता चला कि उसका बेटा बॉम्ब लगाकर खुद वही रुक गया था जिसकी वजह से उसके एक कान का पर्दा फट गया। अब उस परिवार को उसकी इस हरकत की वजह से जुर्माना भरना पड़ रहा था, पर फेडरिको को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा। अचानक उसे मारने वहाँ क्लॉडियो आ पहुँचा, पर जब उसे पता चला कि फेडरिको उसी आदमी का बेटा है जिसने उसकी माँ को बचाया था, तो वो पीछे हट गया। क्लॉडियो जानता था कि पीछे हटने की वजह से फ्लाविओ उसे मार देगा, फिर भी वो सिर्फ अपने और पॉल के परिवार के बारे में सोच रहा था। पॉल हमेशा से ब्रूनो और उसकी हरकतों से नफरत करता आया है, पर अपने दोस्त को खोने के एहसास ने आज उसे रुला दिया। क्लॉडियो एक आखिरी बार फ्लाविओ से मिलने गया जो उसे मारने की तैयारी कर रहा था। उस वक्त क्लॉडियो ने उससे कहा कि वो एक आखिरी मौका चाहता है और उस पर भरोसा करके फ्लाविओ ने उसे छोड़ दिया, पर फ्लाविओ ये नहीं जानता था कि क्लॉडियो वहाँ किसी और इरादे से आया है। वो अपने साथ अपने बेटे सेजार को लाया था और सेजार ने उसके इशारे पर फ्लाविओ और उसके साथियों को मार गिराया। सेजार ने अपने इस गुनाह को कबूल किया और उसके और क्लॉडियो के बयान मिलने पर क्लॉडियो को गिरफ्तार कर लिया गया। जेल में होने के बावजूद क्लॉडियो जिंदगी में पहली बार आजादी महसूस कर रहा था और अपने परिवार को आजादी दिलाकर खुश था। कुछ महीने गुजरे और ब्रूनो की कैंसर की वजह से मौत हो गई। पॉल का परिवार जिंदगी में आगे बढ़ गया और गाइया भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुकी थी। उसने बताया कि उसे प्यार मिल गया है और जिस आदमी के साथ अब गाइया रह रही है वो वही चोर है जिसने कहानी की शुरुआत में इनेस को घड़ी बेची थी और जिसकी वजह से वो दोनों परिवार एक दूसरे से टकराए थे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई
तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और इस वीडियो पर कमेंट जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।